कोई कहता है जीसीबी ही बेस्ट है, तो कोई केएसके बैकलोडर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। कैटरपिलर के भी दीवाने कम नहीं है यहाँ। तो महिंद्रा वाले बोलते हैं, भाई हमारे भी बैकलोडर काफी अच्छे हैं, छिंद्राई भी है, डिग मास्टर भी है, और नया नया आया बॉबकैट बैकलोडर भी है। बुल कहता है, सबसे पहले मैं ही आया। कितनी कंफ्यूजन है भाई। अरे भाई, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो ये वीडियो बनाया है, जो कि आप सभी को देखना है। तो भाई, आज का मेन मुद्दा है टॉप 9 बैकलोडर इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा सेल होने वाले और पसंद किए जाने वाले टॉप 9 बैकलोडर। इसके बारे में डिटेल में हिंदी में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरम्भ किया जाए। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है बॉबकैट B900 बैकलोडर। नॉर्मली दूसरी कंपनी के बैकलोडर मोस्टली येलो कलर में होते हैं, पर बॉबकैट कंपनी का यह बैकलोडर फुल्ली व्हाइट कलर के साथ आता है। देखने में काफी सुंदर और अलग दिखता है। यह बैकलोडर B900 के नाम से जाना जाता है। इस बैको में इंजन अशोक लेलैंड का 3.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 74 एचपी की ताकत प्रदान करता है 2200 आरपीएम पर, और 336 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है यह डीजल इंजन। ट्रांसमिशन वर्ल्ड फेमस करारो का सिंक्रोफ्यूजल टाइप दिया जाता है, और मैक्सिमम स्पीड इस बैकलोडर की 40 किलोमीटर प्रति आवर है। हाइड्रोलिक पंप वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप टाइप फिटेड है, जो कि नॉर्मली एक्सकेवेटर में देखते हैं, और 119 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो 220 बार के प्रेशर के साथ इस बैकलोडर में मिल जाता है। लोडर बकेट 1.1 क्यूबिक मीटर का और बैको बकेट 0.27 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है, और इस बैकलोडर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7,990 केजी लगभग 8 टन का ही है। इस बैकलोडर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको कैसी लगी ये मशीन मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8 पर है एस का AX124 डिग मास्टर बैकलोडर। S124 बैकलोडर में इंजन किर्लोस्कर मेड 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 74 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है 2200 आरपीएम पर, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम 1300 आरपीएम पर प्रोड्यूस करके देता है ये डीजल इंजन। AX124 डिगमास्टर में ट्रांसमिशन करारो का ही सिंक्रो शटल टाइप लगा हुआ है। पंप फ्लो की बात करें तो इस बैकलोडर में 118 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो 210 बार के प्रेशर के साथ मिल जाता है। AX124 डिगमास्टर बैकलोडर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 8040 केजी है, जो कि टू व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ दिया जाता है। 1.1 क्यूबिक मीटर का लोडर बकेट और 0.24 क्यूबिक मीटर का बैको बकेट इस बैकलोडर में दिया जाता है। इसी मॉडल में आपको महिंद्रा के टर्बोचार्ज इंजन वाले ऑप्शन भी वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 7 पर है एस्को डिगमैक्स 2 बैकलोडर। SAX124 और एस्को डिगमैक्स 2 बैकलोडर दोनों ही इंडियन मेड और इंडियन ब्रांड के बैकलोडर है। एस्को के इस बैकलोडर में इंजन किर्लोस्कर में वाटर कूल डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 74.5 एचपी की ताकत प्रदान करता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन। ट्रांसमिशन इस बैकलोडर में करारो का सिंक्रो शटल 4 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड गियर के साथ दिया जाता है। हाइड्रोलिक पंप फ्लो की बात करें तो 117.5 एलपीएम का पंप फ्लो इस बैकलोडर में मिल जाता है, वो भी 225 बार के सिस्टम प्रेशर के साथ। बकेट कैपेसिटी की बात करें तो लोडर बकेट 1.2 क्यूबिक मीटर और बैको बकेट 0.26 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है। ऑपरेटिंग वेट इस बैकलोडर का 8190 केजी है, जो टू व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ दिया जाता है। आपको कैसा लगा ये बैकलोडर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6 पर है टाटा हिटाची शिनराई प्राइम बैकलोडर। टाटा हिटाची एक्सकेवेटर के साथ बैकलोडर भी इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। टाटा हिटाची शिनराई प्राइम में टाटा हिटाची V3800 टर्बोचार्ज इंटरकूल डीजल इंजन दिया जाता है, जो कि 74.3 एचपी की पावर प्रोवाइड करता है 2200 आरपीएम पर और 305 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये BS4 डीजल इंजन। ट्रांसमिशन करारो में एक सिंक्रो शटल टाइप फिटेड है, जो कि मैक्सिमम 32 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकता है, वो भी फ्रंट गियर के साथ। हाइड्रोलिक पंप फ्लो 113 लीटर पर मिनट का 245 बार के प्रेशर के साथ मिल जाता है। टाटा के इस प्राइम बैकलोडर में लोअर फ्यूल कंजप्शन के लिए इसमें टेंडम गियर पंप दिया गया है। 1.1 क्यूबिक मीटर का लोडर बकेट और 0.26 क्यूबिक मीटर का बैको बकेट दिया जाता है, जिसमें मैक्सिमम डंपिंग हाइट 2690 एमएम की मिल जाती है। इस बैकलोडर के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नंबर 5 पर है बुल का चैलेंजर 76 बैकलोडर। ये भी एक भारतीय ब्रांड है। बुल के बैकलोडर भी फेमस है इंडियन मार्केट में। बुल के इस बैकलोडर में इंजन किर्लोस्कर में BS3 डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 49 एचपी की पावर 2000 आरपीएम पर निकाल के देता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन, वो भी 1200 आरपीएम पर। करारो का सिंक्रो शटल टाइप ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ इस बैकलोडर में लगा हुआ है। ऑपरेटिंग वेट 7805 केजी, मतलब ये मशीन 7.8 टन का है। हाइड्रोलिक पंप फ्लो की बात करें तो 130 लीटर पर मिनट का 230 बार के प्रेशर के साथ इस बैकलोडर में पंप फ्लो मिल जाता है, मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है।
मैं बार बार LPM इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है जिससे किसी भी मशीन का हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस का अंदाजा लग सकता है। क्या आपको यह बैक ऑर्डर पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4 पर कब्जा जमाया है महिंद्रा के अर्थ मास्टर SX50 बैक ऑर्डर ने। आजकल इस बैक ऑर्डर को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। महिंद्रा भी एक भारतीय ब्रांड है, मीन्स के एक स्वदेशी ब्रांड है। महिंद्रा अर्थ मास्टर SX50 में इंजन महिंद्रा का खुद का ही नेचुरली एस्पिरेटेड 3.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है। ये इंजन 49.2 HP की पावर 2100 RPM पर और 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन। करारो का सिंक्रो सेडल टाइप ट्रांसमिशन इस बैक ऑर्डर में फिटेड है। पंप फ्लो की बात करें तो इस बैक ऑर्डर में फिक्स्ड गियर पंप दिया जाता है जो कि 103 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो 2100 RPM पर निकाल के देता है। लोडर बकेट 1.1 क्यूबिक मीटर का और बैको बकेट 0.27 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है। महिंद्रा अर्थ मास्टर SX50 का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7477 kg है। आपको कैसा लगा यह बैक ऑर्डर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3 पर है K770NXE बैक ऑर्डर। देखिए केस के पास दो बैक ऑर्डर अवेलेबल है, एक है KS770NXE और दूसरा है 770EX। मैं बात करने वाला हूँ KS770NXE के बारे में। KS770NXE बैकहोल ऑर्डर में इंजन फियाट पावर ट्रेन AS8000 सीरीज 3.9 लीटर BS3 वाटर कूल डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि 49.5 HP की पावर प्रोवाइड करता है। वो भी 2200 RPM पर और 252 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन। करारो का पावर सटल सिंक्रोमेस ट्रांसमिशन लगा हुआ है और XL भी इस बैक ऑर्डर में करारो के ही फिटेड है। पंप फ्लो इस बैक ऑर्डर में 119 लीटर पर मिनट का मिल जाता है, वो भी 240 बार के प्रेशर के साथ। K770NXE बैक ऑर्डर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7610 kg है। मुझे पर्सनली ये बैक ऑर्डर काफी ज्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा ये बैक ऑर्डर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस सेगमेंट का सबसे ताकतवर बैक ऑर्डर जिसने अपना स्थान बनाया है नंबर 2 पर, नेम है कैटरपिलर 424 बैक ऑर्डर। कैट के पास सिर्फ एक ही बैक ऑर्डर अवेलेबल है। इसमें इंजन लगा हुआ है कैट का खुद का है 3.9 लीटर BS5 टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 75 HP की पावर प्रोवाइड करता है और सेगमेंट में सबसे ज्यादा पीक टॉर्क 424 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है ये डीजल इंजन। इसीलिए मैंने इस बैक ऑर्डर को सेगमेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर बैक ऑर्डर कहा था। बाहुबली हाइड्रोलिक पंप इस बैक ऑर्डर में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप लगा हुआ है जो कि 132 LPM का पंप फ्लो निकाल के देता है, वो भी 245 बार के सिस्टम प्रेशर के साथ। केट 424 बैक ऑर्डर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7980 kg है। केट 424 बैक ऑर्डर के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बैक ऑर्डर का आईफोन है ये। As you all know, number 1 पर है GCB 3DX बैक ऑर्डर। देखिए हमारे भारत देश में अगर बैक ऑर्डर इतने ज्यादा फेमस है और इतने ज्यादा सेल होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है GCB का, पैर भी बोल सकते हैं। इसमें स्पेशली GCB 3DX बैक ऑर्डर जिसमें लगा है GCB का खुद का ही 448 नेचुरली एस्पिरेटेड 4.8 लीटर डीजल इंजन जो कि 49 HP की पावर निकाल के देता है 2000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो भी 1200 RPM पर प्रोड्यूस करता है डीजल इंजन। GCB का खुद का ही इसमें सिंक्रो सटल ट्रांसमिशन दिया जाता है, वो भी टॉर्क कन्वर्टर के साथ। हाइड्रोलिक पंप का फ्लो GCB 3DX बैक ऑर्डर में 114 लीटर पर मिनट का है, वो भी 230 बार के प्रेशर के साथ। GCB 3DX बैक ऑर्डर का टोटल ऑपरेटिंग वेट 7510 kg रखा गया है। लोडर बकेट 1.1 क्यूबिक मीटर और बैको बकेट 0.26 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ दिया जाता है। इंडियन मार्केट में बैक ऑर्डर में सबसे ज्यादा मॉडल सिर्फ जेसीबी के पास ही अवेलेबल है, इसीलिए इन्हें भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर मेरा यह वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपके पास इन 9 बैक ऑर्डर में से कौन सा मॉडल है? अगर आपके पास बैक ऑर्डर नहीं भी है तो इन 9 बैक ऑर्डर में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे काफी खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता जी।